ये हमने देखी थी कब पता है, जब हम आए थे प्राग। और ये देखो लेगो से बनी लैम्बोर्गिनी सियान। ये देखो मर्सिडीज ने क्या पागलपन निकाला है। इंडिया में सब लोग को चाहिए ना सनरूफ वनरूफ। इस गाड़ी में सनरूफ का बाप है, ये देखो। पूरा एक घंटा लेट हूँ मैं एयरपोर्ट निकलने के लिए, बहुत लेट चल रहा हूँ। जो मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं, ब्लेजर वेजर निकाला था, मिला ही नहीं। चलो एयरपोर्ट पहुंच गए, बहुत अच्छी गाड़ी है ये कैब के लिए, हाई क्रॉस हाइब्रिड। मैं थोड़ी दिन पहले ही आया था और अभी तक तो कोई जीता नहीं है A6 को, मतलब घपला है भाई। और आज का प्लेन है एयरबस A350। बहुत दिन बाद जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि एमिरेट्स में A350 नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं लुफ्थांसा से। नॉट बैड एट ऑल, अच्छा ही लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द एमिरेट्स जिसे हम यूज टू है। स्पेस है कि नहीं ये बताओ बस। अच्छा सा मैप दिखा रहे हैं और मैंगो लस्सी। चलो पहुंच गए म्यूनिक। रात भर मैं सोने की कोशिश में था और कामयाब हो गया इस बार, यस। ये लोग ने एस्केलेटर पे ऐसे लाइट लगा के बता के रखा है कि अभी आप एग्जिट करो, अभी आप एंटर करो। नाइस। म्यूनिक एयरपोर्ट पे सबसे स्लो बैग आता है दुनिया में, ट्रस्ट में, आधा आधा एक घंटा वेट करना पड़ जाता है। ये सिक्स वालों ने गाड़ी चेंज कर दी, पहले कोई रेस कार खड़ी थी यहाँ पे जब हम आए थे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया 6-7 महीने तो हो ही गए हैं इसके लिए, बट अभी इन लोग ने ये खड़ी करके रखी। BMW का हेडक्वार्टर है, ऑडी का भी यहीं पर है, लेकिन BMW ने कब्जा करके रखा है एयरपोर्ट में। पिकअप करने आई एक टोयोटा और वो BMW। लैंड होने के 2 घंटे बाद फाइनली रूम के अंदर चेक इन कर रहा हूँ। नींद तो आ रही है, भूख भी लग रही है, सब फीलिंग्स एक साथ, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है क्योंकि हमारा जेट स्प्रे नहीं है यहाँ पे वापस। टिश्यू पेपर मेरे को नहीं पसंद। एनीवेज दिस इज द रूम, यहाँ पे हम रहेंगे जर्मनी में, जब भी रहेंगे यहीं पे रहेंगे। ज्यादा दिन के लिए मैं आया नहीं हूँ, म्यूनिक में है विच इज द होम ऑफ BMW ऑडी, बट हम दोनों में से किसी भी ब्रांड के साथ नहीं आए हैं। हम जिस ब्रांड के साथ आए हैं उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जाने वाले हैं, एक्चुअली वहाँ पे भी ऑडी होने वाली क्योंकि ग्रुप नाइट है। लेट्स टेक सम रेस्ट, यूरोप आ जाओ और गारंटी भूखे मर जाओ, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं खाने। ये EQS पे ब्रैबिस का किट कैसे लगा दिया इस भाई ने, क्या होता है इससे? वो देखो पीछे का चक्का कितनी ज्यादा ही घूमता है यार। और हम पहुंच गए Volkswagen मीडिया हब। तो जिस काम से हम आए हैं उस काम के लिए हम पहुंच चुके हैं, और ये है Volkswagen की ब्यूटीफुल लुकिंग GTI मॉडल्स। वो देखो ओरिजिनल गोल्फ GTI, जो भी बोलो देखने में तो मस्त लग रही है गाड़ी, स्टील व्हील्स लेकिन भागती मस्त है। तो शूट हो नहीं पाया, छोटा सा शूट हुआ है, वो भी रील शूट हुई है 90 सेकंड की, कैसे तो हो गई, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट टू डू इट अगेन। बट यहाँ पे ग्लोबल मीडिया पे आया हुआ है, तो ये 4th जनरेशन कॉल GTI, 8th जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन कॉल GTI, और ये है पोलो GTI 6th जनरेशन, वो है ऑब्वियसली जो गाड़ी लोगों ने दिखाई है ID GTI कॉन्सेप्ट कार, एंड वो है 1st जनरेशन कॉल GTI। देखने में तो बहुत मस्त लग रही है यार, लेकिन काफी टाइम है प्रोडक्शन के लिए आने में। ये है Volkswagen का मीडिया हब, बेसिकली मीडिया, प्रेस, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, मेरे जैसे लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे कुछ मीटिंग करने, कुछ शूट करना है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। ये सामने ID7 खड़ी है, एक्चुअली ID7 सेडान है, ठीक है, सो इट्स क्वाइट बिग, एंड ऑब्वियसली यू हैव द टिपिकल Volkswagen ID डिजाइन। ID इज टू Volkswagen व्हाट EQS इज टू Mercedes, रादर EQS टू Mercedes। फ्रंट कैमरा है, व्हाइट कलर का फील दिया हुआ है Volkswagen के लोगों पे, क्वाइट इंटरेस्टिंग से डोर हैंडल्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ऐसे खुलते हैं, खुल गया। ये रहा इंटीरियर, बहुत बड़ी स्क्रीन, मुझे एनियाक की याद आ रही क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो चिंटू मिंटू है, ये तो बड़ा छोटा दे दिया, अरे सनरूफ भी नहीं है इसमें। एनीवेज Volkswagen के CEO से बात हुई हमारी आज, एंड ही इज फुल्ली बुलिश ऑन इलेक्ट्रिक, इज लाइक इलेक्ट्रिक ही होगा, एंड इंडिया में वो गाड़ी नहीं लाएंगे, नई वाली इलेक्ट्रिक भी नहीं लाएंगे जब तक दे डोंट सी feasibility, IQ lights by the way, they don't see feasibility of volumes, because बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना बजट है, जहाँ पे volumes मिल रहे हैं हम वहाँ पे invest करेंगे, India is 1% तो कम है। तो मैं सोचा था Skoda क्यों इतनी गाड़ियाँ बना रहा है, because Skoda check के बाहर India सबसे बड़ा है उनके लिए। इंटीरियर आपको किसका रिमाइंड कर रहा है बताएं, ऑक्टावियर RS जो पहले आई थी इंडिया में, बट ये मैनुअल है, वो भी तो मैनुअल थी भाई। ये ट्रक जो है ना इसके अंदर गाड़ी जाएगी ताकि किसी को दिखे ना, और ये सीधा जाएगी मोटर शो के लिए, नहीं ग्रुप नाइट है ना जिसपे। ये देखो उसको कैसे लेके जा रहे हैं, पूरा कवर करके ड्राइव कर रहे हैं, बताओ। गोल्फ
स्टेशन वैगन। बाय द वे ये देखो EQS SUV, EQS इंडिया में EQE SUV आ गई है ऑलरेडी। अभी मैं जा रहा हूँ ग्रुप नाइट के लिए, उसके लिए बोला है फॉर्मल्स पहनो, तो हम आज थोड़े बहुत मैं फॉर्मल शूज लेके आऊँ। कैन यू बिलीव इट, बैगेज इतना भारी करके फॉर्मल शूज लेके आऊँ, लेकिन इतना बड़ा इवेंट तो करना तो पड़ेगा ना। आई डोंट लाइक फॉर्मल्स दो। आईडी बस एक ऐसी गाड़ी जो मुझे चलानी है, लेकिन आप चलाने की मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो सेल्फ ड्राइव वाली आ गई है। VW का लोगो ना हुंडे के लोगों से बड़ा हो गया यहाँ पे। और ये है इवेंट, आई डोंट थिंक लैम्बो आ रहा है आज, बुगाटी भी नहीं आ रहा, स्कोडा भी नहीं आ रहा, ये सब लोग कल्टी मार चुके हैं, तो सिर्फ फोक्सवैगन है, ऑडी है एंड पोर्शे भी है आई थिंक। स्ट्रिक्टली बाय इनविटेशन ओनली, फिर भी यहाँ पे लगभग कोई जगह ही नहीं हिलने की। 150 जर्नलिस्ट हैं, 200 ऑलमोस्ट, और ये देखो नो स्पेस एट ऑल। यहाँ पे दारू बिक्री दे रहे हैं, इसलिए कोई जगह ही नहीं। खाने में ये सब ही देते हैं, ये रवि का ओली, रवि ओली। जो आए कबूत है वैसा लोग ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। हाँ कैसी लगी है, मुझे पता है काफ़ी लोगों को पसंद आया इसका डिज़ाइन, थोड़ा ज़्यादा ही अनलैम्बोइश है। बेंटली के डिज़ाइन है ना एकदम रेट्रो मॉडर्न सब मिक्स। जेम्स के बारे में तो सुना होगा, ये सब जेम्स के बटन आ गए यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ये जो कुबरा की गाड़ी है ना, अंदर से पूरी एनियाक है, मतलब ये एनियाक पे ही बेस्ड है। तो ये लोग ना अलग अलग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं सेम ही प्लेटफॉर्म पे, सेम ही गाड़ी। ये देखो ये नया ब्रांड है कुबरा, बाय द वे ये सीएट किए थे ना परफॉर्मेंस ब्रांड कुबरा, उसको भी इलेक्ट्रिक बना दिया इन लोगों ने। ये हमने देखी थी कब पता है, जब हम आए थे प्राग, वही सेम विजन 7S। गर्मी में हालत खराब हो रही है मेरी क्योंकि मैं अंदर थर्मल पहन के आता हूँ, बेवकूफ़ इंसान हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्दी हो रही है इसलिए मैंने डिसाइड किया कुछ खा ही लेते हैं। ये एक्चुअली किनवा है। अब गाड़ी इतनी महंगी पोशाक की तो घड़ी भी लग रहे देते हैं ये लोग कि चलो सस्ते में काम निपट जाए तुम्हारा। अंदर से ये गाड़ी बहुत अतरंगी है, BYD की तरह वो घूमता है, चाइल्ड सीट ऐसे उल्टा फेसिंग है, ये सीट भी ऐसे स्विवल हो जाती है, बटन दबाएंगे ना इसे घूम जाएगी, और दरवाजे भी रोल्स रॉयस को टक्कर देने वाले। पूरी गाड़ी रखी है यहाँ पे, पूरी फ्लीट रखी है इन लोग ने ड्रॉप करने के लिए, ऑडी फॉक्सवैगन स्कोडा वगैरह वगैरह वगैरह, पोशाक भी है। ओ माय गॉड। The next day. एग्जीबिशन पे आए, ई क्लास में आए थे, उसकी प्रोफाइल है ना बहुत हाई प्रोफाइल टाइज है, बट यहाँ से अगर वो एयरपोर्ट पहुँचना है 8,000 रुपये या 8,000। मैंने फ़ोन का स्कैन कोड डाला और मशीन ने फट से एक सेकंड के अंदर ये प्रिंट करके दे दिया, मुझे बताओ क्या स्पीड है। और ये देखो लेगो से बनी लैम्बोर्गिनी सियान, लुकिंग क्रेजी। हो इसको घर पर लेके जाना है ज़रूर, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होगी यार, कितने लेगो के पीसेज लगे होंगे। 1,000 आई एम श्योर, इनसेन। चिंटो मिंटू फुल साइज। ये है पोर्शे की मिशन एक्स, देखने में तो मस्त लग रही है। इनफैक्ट ये देखो मिरर्स कैसे लगाए हुए हैं इस पे अलग ही, और इंटीरियर ऐसा लग रहा है मुझे प्लेस्टेशन है, मतलब खेल वेल बना के रखा हुआ है। बट आगे का डिज़ाइन है ना, इज रिमाइंडिंग मी ऑफ सम इटैल डिज़ाइन शिगेरा। ये बहुत ही पुरानी गाड़ी है जो नीड फॉर स्पीड में होती थी। डेमो पे लगाया है, पहिए चल रहे हैं। नाइस। This is the BMW Pavilion. ये लेकर आए हैं BMW Vision New Class. Electric है obviously. और 5 Series को ruin कर दिया, ये 5 Series हट जाओ भाई, जरा जाने दो हमें। हाँ ये है 5 Series नई वाली, क्यों करता है BMW का ऐसे गंदे गंदे डिजाइन। और ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, X5 का iX5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या बोल रहा है पता, अंदर ड्राइव ट्रेन फेलियर। ये देखो मतलब ये लोग ने बनाई नहीं गाड़ी, ऐसी लेके आके चिपका के स्टिकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। वो आपको 5 सीरीज दिखा देता हूँ, ये i5 है तो दोनों सेम ही एसेंशियली, 5 सीरीज और i5 इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, डोंट लाइक इट। ये कौन सा नया चाइनीज ब्रांड आ गया, सेरेज। सेरेज एक्चुअली जूस का नाम है, सी से, ये एस से है। बट एनीवेज बहुत ही मतलब वियर्ड लग रही है, तो मुझे XUV400 टाइप लग रही गाड़ी। छी ये तो बड़ी मस्त चीज है, कांच की गाड़ी बनाई है इन लोगों ने, ये अच्छे से बनाया, दिखा रहा है कैसे चार्ज फ्लो है अंदर से। इसकी वो चेंज करता हूँ, अब दिख रहा है नाइस। ये देखो मर्सिडीज ने क्या पागलपन निकाला है, क्या है ये गाड़ी, गल विंग डोर्स दे दिए, इंटीरियर एकदम हटके है और फुल ऑन है, मैडली क्रेजी गाड़ी है ये। मोटर शो में इतनी गर्दी, इंडिया वाली हरकत यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे जो है ना एग्जीबिटर है ना, वो आके गाड़ी में बैठ जाते हैं और फोटो वीडियो निकाल रहे हैं खुद के R&D के लिए, उसके चक्कर में भाई शूट करने को ही नहीं मिलता। एक 5 सीरीज शूट करनी है, मैंने कहा रील ही बना देता हूँ, मैं तो लॉन्ग फॉर्मेट बना ही, मैं सोचा शॉर्ट फॉर्मेट ही बनाते, टाइम ही नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा बॉस, इतने ज्यादा लोग टूट रहे हैं, बहुत पुअरली ऑर्गेनाइज है। ये सस्ता शो है भाई देव, यहाँ पे ना मतलब अगर आपको लेनी है एग्जीबिशन के लिए जगह वगैरह, ये महंगी नहीं है। यू नो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, चाइना, सेकंड इज इंडिया। ऑटो एक्सपो बहुत महंगा होता है इंडिया का, लेकिन वहाँ पे इतने
इतने बड़े हॉल बनाते हैं ना कार मेकर्स, यहाँ पे तो चिंटू मिंटू बना के बैठे हुए, मतलब मर्सिडीज का जो है ना बहुत ही स्मॉल है, इट्स लाइक रियली वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट इंडिया में था ना ऑटो एक्सपो, इट्स ह्यूज। ये देख रहे हो, ये है फोक्सवैगन की आईडी बस प्रो, यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, यहाँ पे आप खाना बना सकते हो, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में, मोटर होम क्या, ये तो मोटर होम ही है पूरा, बिस्तर, बहुत ही प्यारी सी वैन है यार। हाँ, ऊपर दो साइकिल भी लटकी हुई है, अच्छी सामने से दिखा देता हूँ, बहुत ही मतलब मस्त लगती है। इनफैक्ट आईक्यू लाइट्स है इसमें, मुझे गगन को काफी टाइम से ये चलानी थी बट अनफॉर्चुनेटली मिली ही नहीं हमें ये गाड़ी। इस गाड़ी का इंटीरियर भी देख ही लो, क्या है ये, थोड़ा बहुत चल के, अरे ये आईटेन जा रही है, थोड़ा बहुत चल के मैं पहुंच गया फोक्सवैगन के मीडिया हब में। ये कल वाली गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, जीटीआई, ये रहा मीडिया हब, लेट्स गेट इनसाइड, लेट्स ईट समथिंग, और गाड़ी निकाल के ऑटोबान पे फुल स्पीड मार ही देते हैं हम तो। ये सब गाड़ियाँ अवेलेबल है ड्राइव के लिए, गोल्फ 1 भी मैंने वो मांगा है, आईडी 4 मांगी वो मिलेगी नहीं आज बोल रहे हैं, गोल्फ 8 भी है, गोल्फ 4 भी है, पोलो जीटीआई, आईडी 3, आईडी 5, आईडी 7, अपने को तो यही चलाने ना। टिगुआन ई हाइब्रिड यहाँ पे पार्क्ड है कैमो के साथ, और वहाँ पे पसाद ई हाइब्रिड, तो हमारी गाड़ी यहाँ पर है, ये है गोल्फ 8 जीटीआई 240 हॉर्स पावर, या पोलो जीटीआई भी चला सकते हैं, मैं नंबर में चला चुका हूँ, सोचा इस पे ब्लॉक कर देता हूँ, सनरूफ नहीं तो हेड माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा मॉनिटर करने के लिए है नहीं, वो बंदा भी मैप्स लगा रहा है, मैंने उसको बोला था ऑटोमान डाल देना ताकि थोड़ा खींचे भी गाड़ी को, तो वही सीन अभी मैं सोच रहा हूँ शूट वूट कैसे करूँ, कहाँ जगह मिलेगी रुकने वुकने के लिए, और प्रिपेयर तो मैंने किया ही नहीं क्योंकि मुझे पता थोड़ी था कि गोल्फ जीटीआई चलाने को मिलेगी, मुझे लगा आईडी 3 या आईडी 4 मिलेगी, उसके लिए मैंने प्रिपेयर वैसे नहीं किया था। क्या गाड़ी है गोल्फ, क्या खींचती है बॉस, मजेदार चीज है ये तो, वाह। तो वापस आ गए हम, एक घंटा लेट, लेकिन 260 की स्पीड मार के आए, टॉप स्पीड मार के आए गोल्फ पे, ऑटोबान पे मजा आ गया, पीछे मेरी पुलिस वाला था, मैं डर गया, मैंने कहा चलो निकालते हैं आज तो। ये तो मस्त बना के बैठे हुए हैं, इंडिया में सब लोग को चाहिए ना सनरूफ वनरूफ, इस गाड़ी में सनरूफ का बाप है, ये देखो इधर बॉल रखो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करो, ये तो ऑब्वियसली आईडी 7 है, आई थिंक इलेक्ट्रिक है, मतलब गाड़ी इलेक्ट्रिक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती होगी आई थिंक, मतलब रिमोट से। Meanwhile, is this car for sale? No, this car is not for sale. Because you make photos? Is your car for sale? Why not? All right. Why is it Volkswagen Classic? It belongs to Volkswagen Germany. Really? Yeah. A very nice car. This is the first series GTE. It's very sale. Yeah, it's the very first series, yeah. Fantastic. Nice car, by the way. And congratulations. Thank you so much. मैं ये गाड़ी शूट कर रहा हूँ, एक जी वैगन, पुरानी जी वैगन वाला बंदा रोक के बोलता है गाड़ी बेचने वाले हो क्या, फिर नहीं बोलता है कि क्योंकि तुम फोटो वोटो ले रहे हो, मुझे लगा तुम सेल पे लाने वाले हो, मैंने कहा तेरी गाड़ी बेचने में तो बता, अपन नहीं अफोर्ड कर सकता। पूरी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बाहर क्योंकि वहां पे रख सकते हैं, इनको यहां पे अंदर क्यों रखा है पता है, क्योंकि इनको जो चार्ज भी तो करना पड़ता है, तो अभी फिलहाल चार्ज पे लगी हुई, इसलिए ज्यादा ड्राइव नहीं कर पाए इन गाड़ियों की, क्योंकि चार्ज करना पड़ता है ना बॉस बार बार। पसात में जा रहे हैं, नोवोटेल, तो ये पसाद ने मुझे ड्रॉप किया है, थैंक यू सो मच, ये फोक्सवैगन वाले सबको ड्रॉप करें, इन लोगों ने ऐसे मीडिया शटर रखे रखे मीडिया वालों को ड्रॉप ड्रॉप करने के लिए, मैं अभी भी खुशी में हूँ कि मैंने फर्स्ट जनरेशन MK1 गोल्फ GTI चलाई ली फाइनली। ई क्लास कैब, ये गाड़ी इन लोग ने शो में नहीं लगाई, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी, विच इज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डीजे वीजे भी है, तो ये सब भी चल रहा है फिलहाल के लिए, अच्छा डिस्को विस्को बज रहा है, पार्टी चालू होगी, लेकिन काफी लोग निकल गए आज, यहाँ पे सब लोग खाने पहुंच गए एक्चुअली। ये गाड़ी का नंबर क्या है पता है, आईडी 740 मतलब 7 है लिखा हुआ यहाँ पे, तो आईडी 7 हुई ना, इसका नंबर भी देखो आईडी 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें कैमोफ्लैज क्यों लगा के रखा है मुझे समझ नहीं आता, इनफैक्ट पीछे की विंडोज भी ऐसे पूरी टेंट करके रखे हुए, जबकि इसका पूरा प्रोडक्शन वर्जन वहां अंदर रूम में मैंने आपको दिखाया था ना सफेद कलर का खड़ा हुआ है, लेकिन ये कैमो करके रखा है ऐसे मजे में क्यों नहीं, और इसके अलॉयज किसके तरह लगने पता है, वर्ड इसके तरह लगते हैं कि नहीं बताओ 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 बताओ, तो लाइक काम करते छोटे सा पीछे से देख लेते हैं गाड़ी कैसी लग रही है, ये आते ही ना गाड़ी को चार्ज पे लगा देते हैं, लगाना ही पड़ता है, इनफैक्ट ये ना बड़ी सडान है, एक पसाद की रिप्लेसमेंट है क्या, यहाँ पे लिखो पोर्टेबल चार्जर लगा के रखा है, वहाँ से कनेक्टेड है बाहर, और यहाँ पे ये गाड़ी अभी चार्ज हो रही है फिलहाल के लिए। कैमोफ्लेज लगाने का क्या मतलब, बाय द वे मैं स्मूदी पे स्मूदी पी रहा हूँ, क्योंकि स्मूदी तो हेल्दी भी होती है और इसमें सब कुछ मिला हुआ है, इसमें रैसबेरी, ग्रेप्स, ब्लूबेरी, रेड बेरी, वाइट बेरी, ऐसे कुछ होता भी है कि मुझे नहीं पता। वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी याद है जो मैं दिखा रहा था, वो आप यहाँ पे एक्चुअली चला सकते हो, ये देखो टेस्ट ड्राइव चल रही है, चलो इसको चार्ज करने की जरूरत पड़ सकती है एनी मोमेंट। ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा तेज है, बाय द वे ये है पसात ई हाइब्रिड जो इंडिया में नहीं आने वाली, आएगी तो यही गाड़ी आएगी आईडी फाइव है, स्कूपे वर्जन ऑफ द आईडी फोर वहाँ पर है, जिसकी लाइट को नहीं चालू है, इसकी क्यों चालू है, ये सब जगह सिग्नेचर सेम कर दिया, ऑडी में भी ऐसे कर दिया, तो पूरा ग्रुप एक जैसे ही सिग्नेचर करेगा क्या लाइट का। इस गाड़ी में रैप लगा हुआ है पता है, वाइपर वाइपर कुछ नहीं है, बाय द वे ये देखो मार्क 4
इतने अच्छे से ये लोग ने मीडिया हब बनाया ना, मजा आ गया। देखिए ये मेरी फेवरेट गाड़ी, ये लेके ना मेरे को उसका मोटर होम बनाना है खुद से। चलो टाइम आ गया है बाय बोलने का जर्मनी और म्यूनिक को, बहुत ही शॉर्ट ट्रिप, टू नाइट्स ओनली, बिकॉज अभी हम कहीं और इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना है। बता तो आज तो बहुत हेक्टिक होने वाला है, और ये हमारे मल्टीपल कार्ड्स हैं जो कोई काम के नहीं, इसलिए नॉट अ बैड एम। चलो होटल से निकल रहे हैं, गाड़ी आ गई 3 सीरीज पिकअप करने, लगेज फिट आ गया इसमें सरप्राइजिंगली। चलो एयरपोर्ट पहुंच गए 3 घंटे नहीं 2.5 आवर्स बिफोर द फ्लाइट। 1 सीरीज यहाँ पे सब मस्त दिखते, सब जर्मन, इवन ओपेल इज जर्मन बाय द वे। यहाँ पे एक फोटो कॉपियर भी है जस्ट इन केस आपको प्रिंट विंट करना है। और खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही खा सकते हैं और कुछ है ही नहीं, मतलब इनके इतने पैसे बचते हैं ना, फूड में कोई कुछ खा ही नहीं सकता। और हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, एयरबस A350, ये एग्जैक्ट सेम एयरक्राफ्ट आई थिंक जिससे हम आए थे। तो मैंने इसमें एक चिट्ठी रखी थी, देखता हूँ अगर मुझे वो चिट्ठी मिलती है कि नहीं, क्योंकि मेरी जो सीट थी ना वो पहले वाली ही थी, बट मैंने फिर उसको चेंज करके आगे करवा दिया, बताता हूँ क्यों। फुल ऑन मच्छी मार्केट है म्यूनिक एयरपोर्ट, यहाँ पे इन लोग आते ही नहीं, हैंडल कैसे करना है, एमिरेट्स को कोई बीट ही नहीं कर सकता, सब लोग एक ही गेट से कूद रहे हैं अंदर जाना अंदर जाना है। चलो बोर्डिंग तो होगी, इतने बेवकूफ़ लोग हैं ना ये लोग, इतने बेवकूफ़ लोग हैं। मैंने मांगा था कि ये जो सीट है ना ये विंडो के पास हो, मेरी सीट चेंज करके मुझे वापस ही सीट दे दी, व्हाट एन इडियट। चलो फ्रांस इज एब्सोल्यूट शिट, सीट चेंज करके वापस आ गया हमने लास्ट रो में, वही बेटर है। तो फिलहाल मैं बैठ के स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, बिकॉज रेसिंग सेटअप जो कर चुका हूँ उसका वीडियो आना है बहुत ही जल्द, भूख भी लग रही है बट वो बाद में, पहले स्क्रिप्ट बनेगी आज क्योंकि 1 महीने से पेंडिंग है। इन लोग ने मेरा खाना पहले से प्री बुक करके रखा है, वो खाना नहीं जो मुझे खाना है, लेकिन मुझे फर्स्ट दे दिया इन लोगों ने बिकॉज प्री बुक्ड। मतलब कुछ भी बना लेते हैं, कोकोनट का कुछ तो बना के लाए ये लोग। अब स्पीड बढ़ा दी इसने यार, 1000 मार ले जल्दी से, हो गया 1000। टाइम टू स्लीप, गो अराउंड किया इसलिए ऐसे घूम के गए हैं हम लोग। यूटर्न पे यूटर्न, टर्निंग रेट इज टेस्ट, चल क्या रहा है। सब लोग निकल के मैं लास्ट में निकल रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट है बहुत टाइम बाद, तो क्या जल्दी। ओ माय गुडनेस, एयरबस A380 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, वो रहा सिंगापुर एयरलाइंस का, मजा आ गया। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी होती है लेकिन आज मैं एकदम लास्ट आया क्योंकि कोई जल्दी नहीं आऊँ, पूरा खाली है बॉस। कब जीतूंगा मैं ये गाड़ी बताओ कब। पहली प्लान थी कि डायरेक्टली हम यहाँ से Terminal 1 चले जाएंगे, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम 1 घंटा घर पे जाके बैग दम करता हूँ, एक ही बैग के साथ आऊंगा तो घर जा रहा हूँ अभी। मैं कितना बेवकूफ हूँ ना, कभी कभी क्या करता हूँ। जो भी कहो बनाया तो मस्त है इन लोग ने, ये गाड़ी टर्न नहीं होती तो आप गाड़ी क्यों नहीं बदल देते।